Dandan Sadhguru Tirahi Astra. Hello dear students, I am your computer teacher Rohini Insa. Welcome to my channel. तो फ्रेंड्स आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग का टर्म आपने बार बार अपने फ्रेंड से भी सुना होगा, अपने आसपास भी सुना होगा और इंटरनेट पर भी काफ़ी देखा होगा। तो फ्रेंड्स आखिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? तो फ्रेंड्स जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है ये स्टोरेज से रिलेटेड है, यानी कि हम अपने डाटा को किस वे में स्टोर कर सकते हैं उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इसमें क्लाउड्स कहाँ से आ गया? क्या हम अपने डाटा को अपने मोबाइल से क्लाउड में स्टोर करने वाले हैं, या फिर हम अपने डाटा को अपने टैबलेट से क्लाउड में स्टोर करने वाले हैं, या फिर अपने कंप्यूटर से क्लाउड में स्टोर करने वाले हैं, या फिर हम अपने लैपटॉप से डाटा को क्लाउड में स्टोर करने वाले हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्लाउड से मीनिंग हमारे रियल क्लाउड से नहीं है जो आप आसमान में देखते हैं, स्काई में देखते हैं, बल्कि क्लाउड पर डाटा स्टोरेज करवाने से हमारा मीनिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग से हमारा मीनिंग है कि यहाँ पर हम डाटा को अपने कंप्यूटर में ना रखकर, अपनी हार्ड डिस्क में ना रखकर हमसे दूर किसी और सर्वर पर सेव कर रहे हैं। तो इन सर्वर्स को क्लाउड सर्वर्स बोला जाता है। हम वहीं पर डाटा को सेव भी करते हैं और वहीं से ही डाटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसे क्लाउड स्टोरेज प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के टाइम में काफ़ी सारी कंपनीज क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं, उनमें मेन है आपकी गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, असूस क्लाउड स्टोरेज है। तो ये मेन कंपनीज हैं जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं। और वैसे भी अगर फ्रेंड्स आप अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को टू वर्ड्स में ब्रेक करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लाउड का मीनिंग है इंटरनेट से, यानी कि जो हमसे दूर है, हमसे डिस्टेंट लोकेशन पर है, और कंप्यूटिंग यानी जो हम इंटरनेट के जरिए क्लाउड पर यानी सर्वर्स पर जो हमारा डाटा है उस पर जो कंप्यूटिंग करेंगे, जो प्रोसेसिंग करेंगे, वहाँ पर डाटा को सेव करवाएंगे, वही हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है। और फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग में जस्ट स्टोरेज नहीं है, क्लाउड के अंदर हम डाटा को सेव भी करवाते हैं और फ्रेंड्स क्लाउड के अंदर हम डाटा को प्रोसेस भी करवाते हैं, यानी कि हम डाटा को एक बार क्लाउड सर्वर्स पर सेव कर देंगे और वहीं से ही फिर डाटा को मैनेज करेंगे और प्रोसेस करवाएंगे। और फ्रेंड्स इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और जीमेल है। ये कंपनीज भी अपने डाटा को सेव करने के लिए और आपको सर्विसेज देने के लिए क्लाउड सर्वर्स का यूज़ कर रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रही हैं। और फ्रेंड्स और काफ़ी सारी छोटी कंपनीज भी हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके अपने कॉस्ट में कटिंग करती हैं, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके उन्हें उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज नहीं करना पड़ता जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए और सेव करने के लिए हमें लगाना पड़ता है। तो छोटी कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके अपनी कॉस्ट में कटिंग कर रही हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा आपके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही, क्योंकि आप भी अपना डाटा इन जैसी कंपनीज लाइक गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव और असूस वेब सर्विसेज जैसी कंपनीज के सर्वर्स पर सेव कर सकते हैं। तो इन कंपनीज ने क्लाउड सर्वर्स बनाए हुए हैं, आप इन कंपनीज पर अपना डाटा सेव कर सकते हैं और जब चाहे वहां से वापस डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो वहीं से डाटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे आपका टाइम भी बचेगा और फ्रेंड्स आपको कहीं भी अपना डाटा रिक्वायर्ड हो आप जस्ट इन सर्विसेज को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ओपन कीजिए और आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी कि फ्रेंड्स क्लाउड सर्विसेज के, क्लाउड कंप्यूटिंग के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की, तो फ्रेंड्स वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल टू गेट अलर्ट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।